चाहे आपके अड़ोस में पड़ोस में कहीं अगल बगल में ये महामारी पाई जाती हो और आप उसके बीच में हो, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके बीच में है, वो आपका रक्षक जो चिंताओं में पड़े हुए हैं। पिता प्रभु, जो चिंता करे बातें हम इनके जीवन से, इनके घर से हम निकाल फेंकते हैं। जो कष्टों में पड़े हुए हैं पिता, ईश्वर के नाम में हर एक कष्ट के जीवन से दूर हो जाए। हर एक समस्याओं का समाधान तो देने जा रहा है, इनके बंद रास्ते को खोलने जा रहा है, वह नया नया मार्ग बना के देने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। हाय दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा, टहिंद की आत्मा, ईश्वर के नाम में प्रार्थना को सुनते ही चलते उनके जीवन से, उनके घर से निकल के चली जाए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठ नाम आसमान साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ सुबह यानी कि भोर का प्रार्थना, और इस प्रार्थना में घर परिवार जो बीमार पड़ों के लिए, सभी समस्याओं के लिए, हर एक बीमारियों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो विश्वासपूर्वक इस प्रार्थना को देखिए और घर से निकलने से पहले इस प्रार्थना को सुन के जाइए, प्रभु आपको इसमें आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया, जो भी समस्याएँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रभु को उपस्थिति में रखिए, प्रभु आपके नया मार्ग को बना के देगा। चिंता करने के बजाय हम प्रार्थना करने वाले हो जाए, प्रभु हमारे लिए नया नया मार्ग को बना के हमारे लिए देगा। हम जब उसके वचनों पे चलेंगे, हम उससे वादा करेंगे, तो हमारे लिए आकाश के झकोर खोलकर अपरम आशीष की वर्षा हमारे जीवन में करेगा। जितने भाई बहन भेंट और दान समाज भेजे, प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन के अनुसार 100 गुना वापस करें। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। प्रार्थना कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप भेजिए। हम हमारे मिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आप सभी के लिए प्रार्थना करता है। विश्वास के साथ देखिए प्रार्थना को। हालेलुया, 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 बारी बाउल्ला रा बारी तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आमीन, 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 ग्लोरी, 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 रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम धन्यवाद थे पिता इन सारे बातों के लिए। रात सुनाई दी, एक नया दिन दिखाया, जीतों के बीच में तूने हम सबको जीत रखा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। जितने भाई उन प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, उन सबको हम तेरे नाम से ब्लेसिंग करते हैं पिता। और जहां भी रहते हैं पिता, स्वर्ग छाओं से पिता भरपूर होने पाए पिता, अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख पिता परमेश्वर इन सारे भाई बहनों को। यही हम प्रार्थना करते हैं। आज दिन भर जहां भी जाते हैं पिता, इनके संग बना रहे प्रभु जी। हाँ पिता, हर एक कार्य करने में सहायता प्रदान करे, ऑफिस में कार्य करने में सहायता, कैतराव में सुरक्षा प्रदान करे, कोई महामारी कोई बीमारी को छू भी ना पाए। ये जहां भी जाते हैं पिता, अपने स्वर्ग बाने में इनको बांध के रख पिता परमेश्वर। जैसे घर को जाते शाम को ब्लेसिंग के साथ, वैसे ही वापस आने पाए, यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो पिता डर की आत्माओं में जी रहे हैं, डर के भय के समय में जी रहे हैं पिता, प्रभु जी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। ये जहां हमारी पाई जा रही पिता, वो उन जगहों में है पिता, लेकिन उनके अंदर एक डर की आत्मा कार्य कर रही है। मैं पियो, हो सकता है आपके अड़ोस में पड़ोस में कहीं अगल बगल में ये महामारी पाई जाती हो और आप उसके बीच में हो, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके बीच में है, वो आपका रक्षक है, वो आपके बहेलियों के चाल से, वो हर एक महामारी से बचाने के लिए तैयार है। मेरे पियो, हमारा भरोसा, हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। वो हर एक महामारियों से हमें बचाने के लिए तात्पर्य है। डरने के बजाय हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। अपने मन से, अपने दिल से हर एक डर को निकाल दीजिए और प्रभु से प्रार्थना करिए। उसके उपस्थिति में बैठकर, घर में रुककर उससे प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, आपको सुरक्षाओं से भरपूर रखेगा, कोई महामारी कोई मारे आपको छू भी ना पाएगा। इन सबको तो आशीष प्रदान किया पिता, सुरक्षाओं से भरपूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो चिंताओं में पड़े हुए हैं पिता, प्रभु जो चिंता करे बातें हम इनके जीवन से, इनके घर से हम निकाल फेंकते हैं। हर एक बंद रास्ते ईश्वर मसीह के नाम में हम खोलते हैं खुदावन पिता। हर एक चिंता करने वाली बातें इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं, इनके बंद मार्ग को खोला, चिंताओं को दूर किया, बोझों को दूर किया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी, 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 अबारी बाउल रबा रिकर तम जी। हम जो कष्टों में पड़े हुए हैं पिता, ईश्वर मसीह के नाम में हर एक कष्ट के जीवन से दूर
दूर हो जाए, हर एक दुख ईश्वर मसीह के नाम में दूर हो जाए। जो बंधुआएं बंधे हुए पिता, जो बंधन बंधे हुए हैं, हर एक बंधन ईश्वर मसीह के नाम में हम खोलने की आज्ञा देते हैं। जो समस्याओं में घिरे हुए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी समस्याएं चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तुझसे बड़ी नहीं हो सकती। हर एक समस्याओं का समाधान तू देने जा रहा है, इनके बंद रास्ते को खोलने जा रहा है, वह नया नया मार्ग बना के देने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं इन सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में। हम आशीष की चंगाई के छुटकारे की घोषणा करते हैं। तूने ऐसा ही किया, धन्यवाद। जो दारू के आत्माओं में, नशे के आत्मा, बुरी आत्माओं, अंधकार के आत्माओं में फंसे हुए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता बड़े बोझ के साथ खुदाबन। हाय दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा, टहिंद की आत्मा, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को सुनते ही चलते उनके जीवन से, उनके घर से निकल के चली जाए। ये प्रार्थना जिस घर में चले पिता, उस घर में सुख शांति आने पाए पिता, उस घर में नाम की महिमा प्रकट होने पाए, उस घर में शांति, वचन का प्रकाश, उजियाला, वचन का सामर्थ्य नाम से आ जाए। इन सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम चंगाई के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। जी हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो शादी कई साल बीत चुके हैं, बच्चे की आस नहीं मिल पाई है। प्रभु जी वो थके माए तेरे पास आए हैं, हर जगह थक चुके हैं, निराश चुके हैं, और तेरे पास विश्वास के साथ आए हैं। और मैं पियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भाई बहन उसके पास विश्वास के साथ आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है, बल्कि आशीष को, चंगाई को प्राप्त करके जाता है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, लेकिन परमेश्वर का जवाब यहाँ बाकी है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उसे घुटनों पर आकर प्रार्थना कीजिए, हर रोज उसके उपस्थिति में बैठिए, उस पर विश्वास कीजिए, उसको जीवन को उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, उसके वचनों पर चलिए, प्रभु आपके जीवन में आशीष को लेगा। पिता इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इन सबको आशीष प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं। जो बीमार पड़े हैं पिता कई महीनों, कई सालों, कई दिनों से, वो हर जगह थके माए तेरे पास आए हैं, वो दवाई खा के थक चुके हैं, बीमारियाँ ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टरों को चेकअप आगे थक चुके, बीमारियां उनके शरीर में नहीं है, फिर भी उनका तबियत खराब होता है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं पियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, और आज जो समय है अपने पापों की क्षमा, अपने पापों का अंगीकार उसके सामने कर लीजिए। जो भी आपने जीवन भर में किया है उससे दोबारा उससे माफी मांगिए, और दोबारा ना करने का उससे वादा कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, हर एक श्राप के बंधन को तोड़ेगा, हर एक पाप की क्षमा केवल उसके पास ही है। मेरे पियो हम पापों की क्षमा उससे प्राप्त करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। पिता इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता, इन सब को अपने लहू से धोकर सुपवित्र किया, अपने राज का वारिस बनाया, हम धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चल रहे पिता, उस घर में तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वहाँ कार्यशील हो जाए, ईश्वर के नाम में। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हबरी बाहुल रबर रिख रबर रक्तम जम। जो बीमार पड़े हैं उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा इनके हाथों, इनके पैरों में एक नया बल, एक शक्ति, एक नए सामर्थ्य नाम से आ जाए। उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में हम चंगाई के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। तो ऐसा ही किया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जो विदेश में कार्य करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और जहाँ भी रह कार्य करते हैं तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए, सुरक्षाओं से भरपूर रख पिता, कोई हमारे कोई मरीज को छू भी ना पाए, जो बीमार पड़े हैं वो तेरे नाम से चंगे होने पाए पिता, हर एक समस्याओं का समाधान देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। इनके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जहाँ भी रहते हैं सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए पिता। हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत देश में चंगाई का सर प्रकट हो जाए पिता, भारत देश में पिता इस महामारी को हम जला के शून्य करते हैं, आजादी के छुटकारे की घोषणा करते हैं। भारत देश में उस शहर है पिता जहां अधिक महामारी पाई जा रही है, उन शहरों को हम तेरे नाम से पिता आजादी के छुटकारे की घोषणा करते हैं। हम अपने राज्य में छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, अपनी सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर पिता परमेश्वर इस छत्तीसगढ़ को पिता इस महामारी से, दुनिया पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर पिता इस पूरे भाव पूरे दुनिया से पिता इस महामारी को पिता परमेश्वर जल्द से जल्द खत्म कर खुदावर। हाँ प्रभु जी यही प्रार्थना करते हैं पिता, पिता परमेश्वर तेरे नाम से इस महामारी को हम जला के शून्य करते हैं, और तेरे नाम से छुटकारे की घोषणा करते हैं। प्रार्थना सुमा धन्यवाद, जितने भाई बहन पिता अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार भेंट और दाना से दशमांश भेजे उन सबको आशीष प्रदान कर, वचन के अनुसार सौ गुना उनको आशीष प्रदान कर, उनके हर एक बंद मार्ग को तो खोलने जा रहा है, उनके नए मार्ग बना के देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। उनके नौकरी पर बिजनेस पे आशीष देने जा रहा है पिता, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। हाँ पिता दिन भर कार्य में अगुवाई करने में सहायता कर, जहाँ भी कार्य करने जाते हैं इनको तू आशीष प्रदान कर। प्रार्थना सुमा धन्यवाद, यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे आशीष, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया।
मैं पियो विश्वास पूर्वक इस प्रार्थना को देखिए और अपने घर में अपने रूम में इस प्रार्थना को चालू करके रखिए। प्रभु की सामर्थ्य उस जगह में कार्य करेगी। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें ताकि अभी लोग मसीह को जान सके। और जितने भाई बहन भेंट और दर दशमांश भेजना चाहते हैं वीडियो के लास्ट में या फिर नीचे में आपको टेल मिल जाएगा। अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार भेंट और दर दशमांश हमें भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।